नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं अतुल टेक यूट्यूब चैनल। मैं अतुल कुमार आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड से कौन सा आपका बैंक अकाउंट लिंक है, यानी किस बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड सेडिंग है। तो जी हाँ, इस वीडियो में ही आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि आपको कैसे चेक करना है अपने मोबाइल या कंप्यूटर से। तो इस वीडियो में ही आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। लेकिन चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और पास में उसको हो रही बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि जब हम कोई ऐसी वीडियो लाएँ उसका भी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना होगा उदय। तो जी हाँ, जैसे ही आप सर्च कर देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं उदय की ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी टॉप पर। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर एक अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जो कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको कट कर देना है, इस मैसेज को। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपको बैक करके आना है, जो कि यहाँ पर होम पेज पर ही आपको यहाँ पर जो कि यहाँ पर देख रहे हैं माई आधार का सेक्शन मिलेगा। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी सर्विसेज यहाँ पर जो कि आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, बट यहाँ पर जो कि देख रहे हैं आधार यानी जो कि बैंक अकाउंट का ऑप्शन यहाँ पर कभी यानी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपका बैंक अकाउंट कहाँ से लिंक है, यानी कौन से बैंक में लिंक है, वो ऑप्शन यहाँ पर यानी बैंक सीडिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। बट यहाँ पर अभी मैं एक वेबसाइट और ओपन करूँगा और वहाँ पर आपको दिखाई देगा। जी हाँ, वो भी आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है। और उस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से ओपन कर लेना। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं जो कि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जो कि मैंने यहाँ पर काफ़ी ध्यान से देख लिया। तो अब सीधा हम उस वेबसाइट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक एक करके मैंने यहाँ पर जो कि यहाँ पर देख रहे हैं मैंने दिखा दी, बट यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर न्यू टैब ओपन करूँगा और यहाँ पर बुकमार्क मैंने सेव करके रखा है। तो जी हाँ, यहाँ पर नीचे आएंगे जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आधार यूनिक। तो जी हाँ, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यही वेबसाइट जो कि देख रहे हैं सेम आधार के होम पेज पर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे माई आधार पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेक आधार, जो कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो कि यहाँ पर इसके देख रहे हैं चेक आधार बैंक सीडिंग स्टेटस। तो जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं सेम वही वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पर चेक आधार बैंक जो कि यहाँ पर सीडिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं नीचे जो कि कैप्चा कोड लिखना होगा, बट यहाँ पर जो भी हाइड किया जाए सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड लिखने के बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। सो उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं जैसे सेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं ओटीपी आएगा, वही ओटीपी आप फिल कर देंगे तो आपका अकाउंट नंबर जो कि यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी आपका अकाउंट यानी जो कि आधार कार्ड कौन से बैंक अकाउंट में लिंक है। तो मैंने ओटीपी यहाँ पर मेरा आ चुका है, तो मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही सबमिट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा शो हो जाएगा। तो जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कि मेरा अकाउंट जो कि देख रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में जो कि लिंक है इस टाइम, जो कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेरा जो कि बैंक अकाउंट इसी में जो कि लिंक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं तो आपको कैसे चेक करना है। तो आपको भी ऐसे चेक करना है, जो कि यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे नहीं मिलेगा। मैं जो वेबसाइट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से ओपन करके जो कि इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड की अभी ऑफिशियल वेबसाइट है। सो इसी प्रकार आप भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक है कि नहीं लिंक है, या आपके आधार कार्ड में कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है। सो इस वीडियो में यही बताना था। तो वीडियो से संबंधित कोई डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो लेकर के।